जय हिंद, राम राम भाइयों। हालांकि मैंने जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बनाऊं या मैंने पहले भी बना के रखी है, पर उसका मैंने बेरा को ना खुद भी वो लिंक विंक ऊपर शेयर करा करें एक दूसरे की वीडियो का, तो कई भाइयों ने फोन भी करा था और बुझी भी थी। अब भाई साहब, जो दिशा हो है वह कौन सी रखनी चाहिए, तो यह मैं दोबारा बताऊँ भाइयों, है ना। तो ध्यान से रखो, ये सबसे बड़ी बात है कि वो देखो, हम ये खुले में करा हम, बिना उसके किसी इन्वेस्टमेंट के, ना इनके नीचे ऊपर कोई शेड है ना कुछ है। तो मेन पर्पज़ के है दिशा का, मतलब महत्व तो क्यों है कि भाई हमेशा आपने बेरा है कि या तो पूर्वा चल लेगी हवा या पिछवा चल लेगी, है ना। तो हमने जो अपनी बेड की लंबाई है ये न्यू इंगा ने, यो समझ लो हमारा उत्तर है, और यो इंगा ने यानी इंगा ने यो दक्षिण हो गया, अरियोइंग आना है उत्तर, यानी उत्तर ते दक्षिण कहने लंबाई रखनी चाहिए बेडा की। तो इस तरीके है, जब पिछवा चल लेगी तो आपने बेरा न्यू पिछवा चल लेगी तो पूरे बेड ने न्यू ठंडा करेगी, और जब पूर्वा चल लेगी तो न्यू हवा भाई दो ही डाल के चलना है ज़्यादातर हर जगह। तो बेरा नहीं मना, पर हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन ये दो ही चलना है भाई। तो उस तक ये है कि आपके गोबर ने ठंडा रहने में वह हवा 50% आपकी मदद करेगी, आपने मेरा है। इस तरह आपका पानी का भी बचत होगी, ये भी ठंडे रहेंगे और बढ़िया काम करेंगे। रिजल्ट हम आप हर बार दिखावा, यहाँ देखो ये छोटी छोटी चीज़ हैं। अच्छा भाइयों, राम राम। तो यह फिर बता दिए मैंने, नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर तय दक्षिण बेडा की दिशा रहनी चाहिए। और भाई हाइट घना तो घना जाडे हैं, तो 1.5 फुट रख लें, 2 भी रख लें जाडे में, पर 1.5 फुट बहुत हो है। और गर्मियाँ में इनकी जो हाइट हो है ऊंचाई, यह 1.25 फुट 1 फुट बहुत हो है। अच्छा भाइयों, राम राम, और बूझते रहो न्यूए, हम आप तो बताते रहेंगे। हमने तय दिल तो बहुत खुशी हुआ है कि दो भाई मारते कुछ बुझ जाए हैं। इस आगे लाइक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। राम राम भाई, जय हिंद।